केपी के मैथ सेकंड ईयर में आज हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का प्रूफ करेंगे कि उसका लिमिट हम किस तरह लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम गिवन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आगे ये हमें डेरिवेटिव्स में भी काम आएगा और इसका प्रूफ भी पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह है, प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू ln a को कहते हैं नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं और नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो e होता है, उसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड लूँगा और लेफ्ट साइड में मैं सपोज करूँगा, सपोज y इज इक्वल टू a पावर x माइनस वन, इसी टर्म्स को मैं y सपोज करूँगा a पावर x माइनस वन को। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, मुझे x x की वैल्यू चाहिए। तो ये जो माइनस वन है, मतलब इस a पावर x माइनस वन की जगह तो मैं मतलब y लिख दूँगा, लेकिन इस x की जगह मैं क्या लिख दूँगा। तो अब मैं इसी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूँगा। तो ये इसके साथ इधर माइनस वन है, तो माइनस वन जब लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो y प्लस वन इज इक्वल टू a पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैं लूँगा टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स में ln लूँगा, ln y प्लस वन इज इक्वल टू ln a रेज टू द पावर x। ठीक है, मैं ये लूँगा। फिर हमारे पास लॉग का ये कानून है कि अगर कोई टर्म्स पावर में है तो हम उसको आगे ले आ सकते हैं। तो मैं लिख दूँगा ln y प्लस वन इज इक्वल टू x डॉट ln a, ये x जो है ये आगे आएगा। अब यहाँ देखो, ये ln a x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी ln y प्लस वन डिवाइड बाय ln a। क्लियर? तो ये जो लिमिट्स हमें गिवन है, मतलब लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो a पावर x माइनस वन डिवाइड बाय x, तो इस a पावर x माइनस वन की जगह तो मैं मतलब इक्वेशन वन फुट करूँगा। इक्वेशन वन हमारे पास y है, इसको इक्वेशन टू कह दो, लेकिन साथ में ये x भी कन्वर्ट हो जाएगा y में। अगर x अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो फिर y भी अप्रोच कर सकता है, x अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो y भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो, y अप्रोचेस टू ज़ीरो, a पावर x माइनस वन की जगह y लगा दो, y लगा दिया, और x की जगह ये टर्म्स लगा दो, ln y प्लस वन डिवाइड बाय ln a। ठीक है, अब ये ln a डबल डिवीजन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो y डॉट ln a डिवाइड बाय ln वन प्लस y। ठीक है, अब ये जो y है हमारे पास, ये इधर मतलब मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो ln a डिवाइड बाय इस y को मैं लिख दूंगा वन और y ln वन प्लस वाई फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो y है वन और y, इसको मैं पावर में ले सकता हूँ, मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो ln a डिवाइड बाय ln वन प्लस वाई होल पावर वन और वाई, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद मतलब इसकी मैं मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इस तरह, लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो एल एन ए, इस पे अलग लिमिट लिया, एल एन लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो वन प्लस y होल पावर वन ओवर y, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है, ये वाला टर्म्स, ये स्मॉल e के इक्वल है, ये तो कांस्टेंट है ना, एल एन ए कांस्टेंट है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये जो है ये स्मॉल e की इक्वल है, तो एल एन e हो जाएगा, तो और एल एन e किस की इक्वल है, वन की इक्वल है, एल एन ए डिवाइड बाय वन, तो इससे एल एन ए आ जाएगा। मतलब ये किस तरह वन की इक्वल है, आप लोगों को ये लेमा याद रखना पड़ेगा कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को और हमारे पास इस तरह टर्म आ जाए वन प्लस एक्स पावर वन और एक्स, मतलब यहाँ जो एक्स होगा उसका पावर यहाँ मौजूद हो रिसीप्रोकल में, तो फिर हम लिख सकते हैं ये के इक्वल ई के इक्वल है। अगर यहाँ भी आ जाए वन प्लस टू एक्स, तो यहाँ हमारे पास होना चाहिए वन डिवाइड बाई टू एक्स। अगर यहाँ भी आ जाए वन प्लस थ्री एक्स, तो यहाँ हमारे पास होगा वन डिवाइड बाई थ्री एक्स। तो ये स्मॉल ई के इक्वल है, ये इरेशनल नंबर है, और इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू है 2.7178 समथिंग, ये इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर लिमिट एक्स अप्रोच करे ज़ीरो को, तो फिर ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो यहाँ मैंने ये वाला कंडीशन अप्लाई किया है, और एल एन ई आप लोग कैलकुलेटर पे पी प्रेस कर सकते हैं, तो आपको वन आंसर मिलेगा। इसके बाद मैं लिमिट आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे बात करूँगा, और साथ में उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा। स्टे टच विद अस।